है छोरी, आज उदास कैसे बैठी तू? आज मैं बहुत उदास, जय जवान जय किसान। आज तो जय जवान जय किसान में भी उदासी आ रही। राम राम भाई, सारे ठीक हो के? आज बहुत बड़ा संकट का दिन आ गया देश पे, देश के प्रधानमंत्री जी पे। बहुत दुख है मुझे इस बात का, बहुत कष्ट है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, आज है ना उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब होगा। तुमने देखा भी होगा, आज पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सारे के सारे बस इसी चीज को कवर कर करके दिखा रहे, सारे के सारे कूद कूद के आ रहे, उछल उछल के आ रहे। अपना तो उन पर कुछ लिखा नहीं जाता, एक दूसरे का कॉपी कर करके ट्वीट करने लग रहे। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बेकार दिन है, आज बहुत खराब दिन है, ये बहुत बुरी बात है। आपने देखा था ना, अभी देश के प्रधानमंत्री पंजाब गए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यज्ञ करवाए थे, बड़े बड़े है ना सामग्री खेई थी यज्ञ में, है ना। हाय, एक यज्ञ फिर करवा दो, क्योंकि आज 7 सालों में पहली बार ऐसा हुआ देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जुबान लड़खड़ाई है। एक यज्ञ और करवा दो, क्योंकि जुबान लड़खड़ाई की मोदी जी की, मैं तो हैरान हूँ बहुत ज्यादा। यू कैसा होगा? ना मेरे हजम ही ना हो रही थी बात, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मैंने ट्वीट देखे थे, जब पता चला मुझे तो हा सच्ची में जवान लड़खड़ा गई मोदी जी की, तो फिर यज्ञ करवाओ। क्योंकि हम कांग्रेस वालों ने ना जो बुद्धि हर रखी है नरेंद्र मोदी जी के, हमने उनकी जो बुद्धि है ना उसकी है ना वो हर ली हमने, हम कांग्रेस वालों ने, क्योंकि इनके पास कोई और जवाब नहीं होगा। ये क्या, मैं इस बात को यासु पहले मैं ही कह दूं, क्योंकि मैं कांग्रेस परिवार से हूं और मैं मुझे विश्वास ना हो रहा कि नरेंद्र मोदी जी की जुबान लड़खड़ागी, है ना। तो मैं भी हो रहा के विश्वास तुम बताओ सारे के सारे, है ना। क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है ना काम हिला कुछ है ना, है ना, बिचारों को एकदम कूदेंगे ट्वीट करेंगे, सबके कॉपी करके कॉपी पेस्ट मार के ट्वीट करेंगे, क्योंकि ना कुछ काम ना, क्योंकि जितना भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है पूरा का पूरा कूद पड़ा पूरी सफाई देने के लिए, है ना। काम ही ना कुछ है नहीं बिचारों को, कुछ तो कर ले। चलो बेरोजगारी इतनी फैल रही देश में, चापलूसी भी एक काम हो गई, बड़ा ही काम है, ऐसी बात ना कि बड़ा काम ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, थारता हमने सही इलाज बांध रखा है इनका, जब ही तो दहशत में आके देश के प्रधानमंत्री जो है उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। हैरान हूं मैं इस बात से कि उनकी जुबान कैसे लड़खड़ाएगी। इनके जो सिस्टम है ना, इसकी पोल तो अब खुल रही, 7 साल में देश के प्रधानमंत्री कैसे इतने बोले करे, जब देखो टीवी खोल के बोलते रह करे, बोलते रह करे। पहली बार इनका सिस्टम 7 साल में खराब हुआ, ये भी बड़ी बात है, एक समस्या। यार जितने तुम सारे सिस्टम देखने वाले, तुम ठीक सुना देख सकते देश के प्रधानमंत्री में, तुम भी लगे पड़े उनके पीछे। हम कांग्रेसी तो खैर लगा ही पड़ा, विपक्ष तो खैर लगा ही पड़ा, तुम तो देख सको उनके सिस्टम में अन्याय है, तुम और बेइज्जती करवा दो है पूरे देश के प्रधानमंत्री। ऐसा मत करो, सारे बीजेपी वाले एकदम कूद करके आ रहे, सफाई देनी पड़ रही। पर हम भी है ना, हम भी तो नू कहवे कि जो नरेंद्र मोदी जो है ये बोलते जावे क्या ऐसा सिस्टम फिट कर रखा जो इतने बोले 7 साल में। हाय, अब पता चली है कैसे बोले, वो कान में डटक्सी लगा के बोले, हमें ना पता ही। कोई तो इनके नेता ऐसे जिनके मुंह में शब्द घालने पड़े, कोई इनके नेता ऐसे कि जो इनके कान में डटक घालनी पड़े। मेरी भी समझ में नहीं आ रही बात, पर मैं बहुत आज परेशान हूं सच्ची बात, मेरे ऐसे भी असली वाली नहीं छुट रही भाई, जो स्माइल सी हो ना जब मैं कहूँ जय जवान जय किसान पूरे जोश में, आज नहीं हो, क्योंकि आज है ना देश के प्रधानमंत्री पे बहुत संकट का दिन है। देखो पूरी निगाहें, पूरा सिस्टम सब कुछ। और हाँ, एक और बात पूछना चाह रही मैं, अगर एक अद्धा इनमें से कोई से जुड़ा हो मेरे साथ मेरी फेसबुक पे, जो ये देखे यू टीपी का जो सिस्टम है, यू कान में मशीन लगाने वाला भैया, तुम कोई सा एक अद्धा जुड़ रहा हो तो तुम मुझे ईमानदारी से बताओ, मतलब तुम भी मतलब प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसे करोगे? वीडियो खूब ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि आज जो है ना सबसे बड़ी समस्या का दिन है, देश के प्रधानमंत्री जी की मशीन खराब होगी। और दूसरी बात, आज सबसे ज्यादा दिन उनका भी खराब होगा जो मशीन पसीन को देख रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी है वो तो सब उनसे भयभीत हो गए होंगे, पूरा सिस्टम है ना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा खराब, क्योंकि डांट पाट सी तो थोड़ी सी पड़ेगी, ऐसी बात तो है नहीं। खैर कोई बात ना भैया, देश के प्रधानमंत्री हम डांट झेले दो तुम भी झेल लियो, कोई आफत ना आ रही, पर यह गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक भी कोई भी नेता ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही कि जो मतलब सही है ना, नहीं कही ना। अगर कही होते एक आधा मुझे
कमेंट करके बताओ भैया, मैं परेशान सी हो रही, मेरे सच्चे बुखार भी चढ़ गया था, हल्का हल्का सा हो गया था। मेरे भाई कमेंट कह रहे कर करके, भाई थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने सारे जुड़े हो, और मेरे को फॉलो जरूर करना भैया, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे फॉलो करना आप इंस्टाग्राम पे @PoonamPanditIND, और मेरा जो वो सॉरी ये मेरा ट्विटर है @PoonamPanditIND। आज तो मैं भी कंफ्यूज हो रही, मेरी भी जुबान लड़खड़ा रही, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी की जुबान लड़खड़ा सके तो मेरी क्या भैया, मेरी भी लड़खड़ा सके तो बड़ी बात ना। वैसे बाकी मेरा इंस्टाग्राम है Pandit Poonam 609 नॉन स्पेस, उसे भी फॉलो कर लियो। और जो देश के जो प्रधानमंत्री है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूं, जाते जाते संदेश देना चाहूं। देखो आप हमारे बड़े हो, आप हमारे पिता तुल्य हो, देश के प्रधानमंत्री हो, इस उम्र में हो वे। मैंने तो पहले ही कही थी कि कृपया करके आप अपने पद से इस्तीफा दें, हमारे देश की समस्याओं का समाधान हो जाओ। हम माने इस उम्र में हो जाए गलती, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सारे जितने नेता है ये कूद कूद कर आ रहे, ट्वीट कर रहे, इतनी बौखलाने की क्या जरूरत है, हो जाए इस उम्र में। उम्र गैल देखो तगाद दो जी, सब जाने बात, गांव के सारे जुड़े हुए, हम तो गांव के बालक है तो गांव की बात ही करेंगे, गांव केयर से शहर की तो बाद में करेंगे, पहले तो गांव की करेंगे, है ना। गांव में एक कहावत है कि उम्र गैल तगाद दो, चमत्कार को नमस्कार है, जुबान इस उम्र में लड़खड़ा जाती है। तुम सारे ही पीछे पड़ गए यार प्रधानमंत्री जी के, हाथी कर दी तुमने, है सारे ट्वीट कर करके बता रहे, सारे ट्वीट कर करके है। देखियो शर्मा जाओ थोड़े से, क्योंकि बात बहुत ज्यादा आगे तक पहुंच रही, कृपया करके अनुरोध करते हैं, हो जाए इस उम्र मानने हम, लेकिन आप रेस्ट करो, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो, हमें आपकी फिक्र है, हमें आपकी चिंता है, आप हमारे बड़े बुजुर्ग हो, आप सो जाओ, दो चार दिन तक रेस्ट करो आराम से तसल्ली से, और जितने भी सिस्टम है पूरा भैया ध्यान रखो हमारे देश के प्रधानमंत्री का, तुम ऐसे मत करो, उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, ज्यादा परेशानी मत दो उन्हें। और मेरा कांग्रेस वालों से भी अनुरोध है, तमें के मैं छोड़ दूंगी, बेशक मैं कांग्रेस में उतारते पहले कहूंगी है भैया ऐसी भी मेहनत मत करो जो बौखला जा देश के प्रधानमंत्री, तुम तो बढ़िया मेहनत कर रहे, इसका मतलब जुबान जो लड़खड़ा रही है ये तुम्हारे कारण लड़खड़ा रही, तुम जिम्मेदार हो इस बात के कि देश के प्रधानमंत्री जी की जुबान लड़खड़ा रही। देखी ना वो मशीन बंद होते ही जुबान लड़खड़ाने लगी, सिस्टम बंद, तो इसका मतलब क्या हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है वो खुद नहीं बोल पाते, मशीन से बोल पावे है। इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई, देश की जनता के साथ में धोखा, और ये हो गया चौके पे मौका, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये कैसे छुपाई हमसे बात, देश के तो प्रधानमंत्री जी मशीन शिशु बोले है ना, गलत बात है। देखो जनता के झूठ नहीं बोलना चाहिए, जनता भोली होवे, सीधी होवे, मासूम होवे, तुम्हें वोट देवे, और तुमने इतनी बड़ी बात छुपा ली, ओ गलत बात है तुम्हारी। लेकिन मेरे जनता से भी अनुरोध है, तुम देश के प्रधानमंत्री जी को माफ कर देना, कोई नहीं देश के प्रधानमंत्री है उन्हें माफ कर देना, क्षमा कर देना, और ऐसा क्षमा करना कि 2024 में उनको विश्राम करवाना, मेरा आपसे अनुरोध है। और बहुत ज्यादा वीडियो को शेयर करें आप लोग, और कांग्रेसियों से भी मेरा अनुरोध है कि इस कदर तमन्नाए हसरत आप मत रखो कि जितना देश के प्रधानमंत्री जी की जुबान लड़खड़ाने लग जा, उंगली पे ट्विटर पे लिखा ना जावे, कॉपी पेस्ट मारा इनके नेता है ना, इतने भी थोड़ा रहम खा लो, समझ रहे हम तो बात को। देखे हमारे प्रधानमंत्री हमारे ही प्रधानमंत्री है, मैं छोटो पर के बढ़ रहा हमारे ही, कोई बात ना, कांग्रेस वालों से मेरा अनुरोध है थोड़ा सा हल्के हाथ रख लो इन पे, अब तो देश जान गए इनकी सच्चाई को कि इन्होंने जनता से बात छुपाई, इन्होंने जनता से मूर्ख बनाया, और अब भी हमें जिम्मेदार ठहराएंगे, ये देखो हम कांग्रेसियों को ये जिम्मेदार ठहरावेंगे, हम देश की जनता को ये जिम्मेदार ठहराएंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी की जुबान लड़खड़ाने में कांग्रेसियों का हाथ है, तो बिल्कुल हम इस बात को क्या बोलते हैं आपकी ग्रहण करते हैं पूरे आशीर्वाद के साथ में कि बिल्कुल जी अगर हमारा योगदान आप समझते हैं तो बिल्कुल होगा, हो सके, और आपको बार बार हम धन्यवाद भी करते हैं इस बात का कि हाँ भाई अच्छी बात है कि ऐसा कम से कम कुछ तो बेहतर हो रहा, हमारी मेहनत कुछ तो रंग ला रही है जी। मैं ठीक हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप सब, और एक बात और कहना चाह रही जाते जाते, देखिए भूल मत जाइयो, याद करने वाली बात है, बुद्धि शुद्धि के लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत यज्ञ कराए जावे, एक अद्धा सौर करा लियो, जो तुमने अभी पीछे से कराए ना बड़े बड़े यज्ञ करवाए, एक अद्धा सौर करवा लियो बुद्धि शुद्धि के लिए, उनकी जुबान लड़खड़ाई आगे सुन न लड़खड़ा हुआ, 2024 में अभी समय है, फिर जो देश को युद्ध देखना पड़े, देश की जनता को युद्ध देखना पड़े, ठीक, लेकिन
जनता माफ नहीं करेगी। इन्होंने देश की जनता से छुपा खाई, बहुत गलत करा कि देश के प्रधानमंत्री बोल नहीं पाते हैं। 7 साल से मूर्ख बनाया जनता को है। इतना झूठ बोला कि टेलीप्रोमीटर भी शर्मागा बेचारा, वो भी बंद होगा। यू तो देखो तुम, टीपी खा के वह मशीन सी है। यू भी एक बड़ी बात, ये टैलेंट भी हर किसी के बस की बात नहीं है कि 7 साल तक छुपा कर रख ली बात हर किसी को। इसको मोदी जी है तो सारी चीज मुमकिन है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इसका भी जिम्मेदारी विपक्ष को ठहरा देंगे, ध्यान देख लेना आप इस बात का। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को इतनी ज्यादा शेयर करिएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी, इनके जो ट्वीट करने वाले नेता जी ना कुछ काम ना है, बेरोजगारी इतनी फैल रही, अरे कुछ काम इन कर लो भैया, कुछ जनता को काम दे दो, युवाओं को काम दे दो कुछ, ये यू ही काम है तुम्हें, इन तक पहुंच जावे। अनुरोध है आप सब वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय जवान जय किसान, शुरुआत में तो जय जवान जय किसान में भी मेरी आवाज भी निकल रही क्योंकि प्रधानमंत्री जी दुखी है। धन्यवाद सभी को, बहुत ज्यादा नमस्कार। प्रभु आप हमें बख्शे और हमारे देश को बख्शे, अनुरोध करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। नमस्कार जी।